जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ढाई दिन के मुख्यमंत्री कर्नाटक के येदुरप्पा ने इस्तीफा दिया, फ्लोर टेस्ट हुआ ही नहीं और अब येदुरप्पा निकल गए विधानसभा से राजभवन की ओर, जहां वो राज्यपाल को जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने है, देखिए कुमारस्वामी को देख रहे हैं आप इन तस्वीरों में और साथ में और कौन कौन नजर आ रहा है सुभाष जी? कुमार है, कुमारस्वामी जी है, रोशन बेग है और मतलब कांग्रेस और जेडीएस के नेता, कांग्रेस और जेडीएस नेता दोनों एक साथ है, एक साथ है जी। बताइए किस तरीके से विक्ट्री का निशान बनाते हुए हंसते मुस्कुराते के चेहरे, पुटराजू है, तनवीर सेठ है, एचएम रेवन्ना है, शिवलिंगे गौड़ा है, ये सब लोग कांग्रेस और जेडीएस दोनों साथ में है और दोनों विक्ट्री के सिंबल दिखा रहे हैं। मतलब अभी बिल्कुल अभी एक महज औपचारिकता रह गई है कि अभी राज्यपाल सरकार अब बनने वाली है जी। अब कर्नाटक के भावी मुख्यमंत्री को देख रहे हैं हम इन तस्वीरों में। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी बहुत हंसते हुए नजर आ रहा है डीके शिव कुमार के साथ, और जो सरकार बनने वाले हैं कर्नाटक में आगे, उसी नेता वहां पे बहुत खुश नजर आ रहा है जी। एक बार फिर से इन तस्वीरों को जरा गौर से देखें किस तरीके से कांग्रेस के नेता के साथ कुमारस्वामी जो हैं वो हाथ मिलाते हुए विक्ट्री का निशान बनाते हुए। देखिए राजनीति, राजनीति ये जो ऐसा है, हम पहले से ये एचडी कुमारस्वामी और जो डीके शिवकुमार है वो पहले से वैरी माना जाता थे, आज वो दोनों साथ आ गए, साथ हाथ मिल गए। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये साफ साफ नजर आ रहा है हमको। कांग्रेस और जेडीएस ये उसकी सरकार 2004 में पहले थे जी, और फिर अब बनने वाला है। बिल्कुल हम सीधे रुख करते हैं, कंचन गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। कंचन जी, नंबर तीन जो पार्टी साबित होती है चुनाव नतीजों के अंदर, उसके अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं कर्नाटक। यही एक हमारे डेमोक्रेसी की फेटल फ्लॉ है कि जो दो ये चुनाव में तीन कंटेस्टेंट थे, पहले नंबर में जो उभर कर आया वो सरकार नहीं बना पाई, दूसरे नंबर में जो पार्टी आई तो वो पार्टी पावर में थी और लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, और तीसरे नंबर में जो पार्टी आई है वो उसको सबसे ज्यादा नकारा गया। इसके बावजूद दूसरी और तीसरी स्थान के जो दल है वो मिलकर अब सरकार बनाने वाले हैं। ये माफ कीजिएगा, ये कोई डेमोक्रेसी की धारा नहीं है, ये परवर्जन है। जी, अभय जी को जोड़ना चाह रहे हैं। अभय जी, जो कंचन दादा कह रहे हैं उससे मेरा काफी गहरा मतभेद है। जितना कुछ लोकतंत्र के बारे में मैं जानता हूँ, लोकतंत्र में जनादेश दो किस्म के होते हैं। एक जनादेश ये होता है इसमें एक पार्टी को पूरा बहुमत प्राप्त हो, जब एक पार्टी को पूरा बहुत प्राप्त नहीं होता है तो वो जनादेश गठजोड़ सरकार के लिए होता है। फिलहाल विकास भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आपके पास आऊंगी सर, मैं आपके पास आऊंगी। विकास भदौरिया हमारे साथ मौजूद है। विकास, आखिरकार कर्नाटक में बीजेपी की सरकार गई? विकास आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हां रोमाना जी। जी, बीजेपी की कर्नाटक के अंदर सरकार गई, येदुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया। रोमाना आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार फिर से सवाल दोहराएंगे। बीजेपी की कर्नाटक में सरकार गई, येदुरप्पा का इस्तीफा, बड़ा झटका बीजेपी के लिए? जी हां, देखिए बहुत बड़ा झटका है, और जैसा कि पिछले दो दिनों से लग रहा था जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि शाम 4 बजे आज आप बहुमत साबित करें, उसके बाद से संकेत मिलने लगे थे कि बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। उसको जो जुगाड़ चाहिए थी सरकार बनाने के लिए उतने विधायक नहीं हो पा रहे थे। हालांकि तकरीबन 1.5 घंटे पहले एक बार बीजेपी ने जरूर इस बात का दावा किया कि 2 कांग्रेस 2 जेडीएस और 3 अन्य विधायक उनके साथ थे, फिर वो सरकार बना लेंगे। लेकिन आखिरी वक्त पर 2 कांग्रेस के जो विधायक थे आनंद सिंह और प्रताप गौड़ा, वो वापस कांग्रेस खेमे में लौट गए, और जैसा कि तस्वीरों में आपने देखा होगा विधानसभा में जब भी पहुंचे थे तो डीके शिव कुमार जो कांग्रेस में यहाँ मंत्री रहे हैं उन्होंने रिसीव किया और सीधे सदन के भीतर जहाँ कांग्रेस की बेंचेस थी वहां ले जाके उनको बिठाया। उसके बाद ये स्पष्ट हो गया था कि अब बीएस येदुरप्पा की सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाएगी, और ठीक वैसा ही हुआ। इमोशनल कार्ड खेला येदुरप्पा ने अपने भाषण के दौरान, किसानों की बात की, नदियों को जोड़ने की बात की, और साथ ही साथ लिंगायत समुदाय की भी बात की, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए। और अब यहाँ से निकल चुके हैं विधानसभा से, सीधे गवर्नर हाउस गए हैं, राज्यपाल को जाके, वजुभाई वाला को जाके वो अपना इस्तीफा देंगे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए विकास भदौरिया। और देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1996 में अटल सरकार कुछ इसी अंदाज में गई थी और आज येदुरप्पा सरकार गई है। रशीद किदवई साहब जो पिता ने किया था 22 साल पहले, अब वही राज्य के अंदर बेटा दोहराने जा रहा है। देखिए और मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो प्रश्न चिन्ह उठाता है राष्ट्रपति और गवर्नर की भूमिका को, कि गवर्नर ने एक पार्टी जिसके पास पर्याप्त बहुमत नहीं था उसको ओथ दिला करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाया। मुझे लगता है इस चीज़ को काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट और जो पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस पर एक राय बनानी चाहिए कि ये देखिए ये लोकतंत्र का असली मतलब मजाक होता है कि जिसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और उसके बाद उसकी किरकिरी भी होती है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज़ इंडिया, न्यूज़ बियॉन्ड पॉलिटिक्स।